हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। मारुति ब्रेजा वो भी मैनुअल के साथ कैसी है चलाने में, क्या इसका एवरेज आता है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और क्या यह कंसीडर करनी चाहिए अपने कॉम्पिटिटर के साथ, ये सारी बातें आज इसी वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं नाइट ड्राइविंग की। नाइट ड्राइविंग में अगर हम LXI और VXI की बात करें, सामने आपको DRL और LED वगैरह नहीं मिलते, आपको BI ओलोजन मिल जाते हैं, जिसका जो लाइट का थ्रो है वो अच्छा खासा है। हम अच्छा भी नहीं कह सकते, ज़्यादा खराब भी नहीं कह सकते, इंडियंस रोड के हिसाब से ठीक ठाक है, 50-50 है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं टच स्क्रीन। जो इसका टच स्क्रीन है वो अव्वल दर्जे का है, अपने सेगमेंट में सबसे अच्छा म्यूजिक सिस्टम जो रिस्पॉन्स है इसका वो है। आप कोई भी आपको चीज़ करनी है तो आपका जो रिस्पॉन्स है टच करते ही वो बिल्कुल फास्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें सीट्स, सीट्स का जो अंडर थाई स्पोर्ट है, जो सीट है, वो अपने सेगमेंट की सबसे अच्छी सीट्स में से एक है। सीट आपकी बिल्कुल कंफर्टेबल है और जो अंडर थाई स्पोर्ट है और कुशनिंग वगैरह है, बैठने में जो इंजॉय आता है वो नंबर वन। हम अगर बात करें AC, जो AC सिस्टम है, AC यूनिट है, उसकी कूलिंग नंबर वन। वैसे इसमें एक कमी लगी मेरे को, अगर वेंटिलेटेड जो सीट का ऑप्शन अगर हमें मिल जाता इस सेगमेंट में, वेंटिलेटेड सीट का जो ऑप्शन है वो अगर मिल जाता तो फिर ये नल्ले पे दला हो जाता। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें AC की कूलिंग की, तो आपको आपको ओवरऑल अच्छी मिलेगी और अच्छी मिल रही है। आप गर्मी में कैसे भी यूज करो AC को, तो आपको थोड़ा सा भी एहसास नहीं होगा कि आपकी जो AC है वो कूलिंग कम कर रहा है। तो ये जो कूलिंग है अपने सेगमेंट में बेस्ट इन सेगमेंट है। वैसे इसमें अगर वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन होता तो फिर बात ही कुछ और होती, फिर एक अलग चीज होती। बात करें अगर विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी आप देख पा रहे होगे, आपको चारों तरफ ORVM है, IRVM है, और अगर यहाँ की भी बात करो आप, साइड की, सामने की और इस साइड की, तो आपको विजिबिलिटी बिल्कुल अच्छी मिलेगी। साथ में आपको जो ड्राइविंग पोजीशन पे आपको पूरा का पूरा बोनेट भी आपको दिखेगा, जिससे आप गाड़ी को आराम से अपने हिसाब से कहीं भी पार्क कर सकते हो या मोड़ सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। तो आप जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी है। विजिबिलिटी के बाद अगर अगर हम अगला ऑप्शन इसका देखें इंजन, अगर हम ब्रेजा की बात करें, तो ब्रेजा में 1.5 लीटर का इंजन आता है जो कि आपको नेचुरल मिलता है। इसमें आपको ना तो टर्बो लैग मिलेगा, क्योंकि नेचुरल है, टर्बो लैग का कोई झंझट ही नहीं, और आपको इंजन है जो बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री मिलेगा। आपको खुद पता है जो मारुति सुजुकी के जो इंजन हैं वो लंबे समय तक चलते हैं, रिलायबल होते हैं, मेंटेनेंस फ्री होते हैं, एवरेज अच्छी देते हैं और सस्ते में ठीक हो जाते हैं। तो वही हाल मारुति ब्रेजा के साथ भी है, वही इंजन आता है जो लंबे समय तक चलता है। अगर हम टोरक की बात करें, तो 137 जो NM है वो टोरक जनरेट करता है। पावर ज़्यादा नहीं है नंबर्स में, लेकिन जो इसकी डिलीवरी है वो बिल्कुल ट्यून है, एक नंबर की ट्यूनिंग करके इसको आपको कहीं भी आपको फील नहीं होगा कि इसकी पावर है जो वो कम है कहीं से, आपको चलाने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंजन के साथ अगर बात करें इसके गेयर बॉक्स की, तो गेयर बॉक्स इसका है 5 स्पीड है, जो वो गेयर बॉक्स आपको मिलता है मैनुअल, और 6 स्पीड जो कन्वर्टर है वो मिलता है ऑटोमेटिक। लेकिन अभी हम बात करेंगे मैनुअल, तो मैनुअल का जो 5 स्पीड है वो आपको बिल्कुल हल्का लगने में, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे आप जो गेयर है वो लगा रहे हो, आपको थोड़ा सा भी फील नहीं होगा, कहीं जरक नहीं, कहीं आपको हार्डनेस नहीं, कुछ नहीं आपको पता लगेगा। और गेयर अभी इंजन है, इंजन के साथ गेयर बॉक्स, और गेयर बॉक्स के साथ आती है क्लच। अगर हम क्लच की बात करें, तो क्लच बिल्कुल लाइट,
कुछ गाड़ियां अपने सेगमेंट में ऐसी हैं जिनकी क्लच अगर प्रेस करते हैं दबाते दबाते आपके घुटने पैरों में दर्द हो जाएगा, लेकिन मारुति जो सुजुकी है उसकी जो गाड़ी है ब्रेजा मैनुअल, उसके साथ ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो इसकी क्लच है बिल्कुल सॉफ्ट है, आप कितनी भी बार क्लच को प्रेस करो, सीटी में करो, आपको कहीं भी ये फील नहीं होगा कि आपकी जो क्लच है वो हार्ड है, और आपको चलाने में बिल्कुल मजा आएगा। साथ में जो क्लच है वो बिल्कुल लाइट है, इसकी लाइट फुट है, आपके पैर में कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं आएगी। एक अगर मैं कमी की बात करूं तो मेरे को एक कमी गियर बॉक्स में ये लगी कि ये 5 स्पीड मैनुअल है। अगर ये 6 स्पीड मैनुअल होता तो फिर तो बात ही कुछ और होती इसकी। अगर 5 गियरों की जगह 6 गियर होते इसमें तो फिर तो चलाने का मजा ही अलग था। अभी इंजन की बात मैं कर ही रहा था आपसे, तो इसका जो इंजन है वो मैंने बता दिया कि मेंटेनेंस फ्री है। उसके साथ इसमें एक चीज और मैं बतानी आपको भूल गया, ये आती है स्मार्ट आईबर्ड, उसके साथ इसको दिया गया है इस बार ब्रेजा में, जो कि आपकी जो फ्यूल है, फ्यूल एफिशिएंसी है या एवरेज बोल सकते हो, वो एवरेज को बढ़ा देता है। जो इसका स्मार्ट आईबर्ड है उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, अगर आपको वो देखनी है तो आपको यहाँ पे आई बटन में दिख रही होगी, आप चेकआउट कर सकते हैं कि मिल जो स्मार्ट आईबर्ड है वो काम कैसे करता है। अगर मैं अगले उसकी बात करूं तो वो है फ्यूल एफिशिएंसी। मैंने इसको हाईवे पे भी चला के देखा है और सिटी में भी चला के देखा है। अगर आप सिटी के अंदर गाड़ी को जैसे चलाओगे तो 13 से 14 के आसपास इसका एवरेज आपको मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा। अगर आप हाईवे पे चलाओगे और आपकी स्पीड 80 के आसपास रहेगी तो ये गाड़ी आपको 19 से 20 का एवरेज बड़े आराम से दे सकती है। और इसके अंदर अभी मैंने आपको बताया कि स्मार्ट आईबर्ड भी इसके अंदर आता है, तो वो स्मार्ट आईबर्ड भी जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने का काम करता है। जब ये इंजन पे चलती है वैसे गाड़ी, लेकिन इसके अंदर एक बैटरी है जो कि स्मार्ट आईबर्ड के नाम से जानी जाती है। जब गाड़ी को पावर की जरूरत होती है, अगर भाई अभी पावर चाहिए, तो ये बैटरी है उस इंजन को पूरा सहयोग करती है और गाड़ी को चलाने में और एवरेज बढ़ाने में हेल्प करती है। साथ में अगर मैं बात करूं इसकी जो बैटरी चार्ज करनी पड़ती है या खुद चार्ज हो जाती है, तो जो रीजनरेटर एक मोटर लगी होती है यहाँ पे, तो जैसे ही आप एक्सीलेटर से पैर हटाओगे या आप ब्रेक प्रेस करोगे तो आपकी जो बैटरी है वो ऑटोमेटिक चार्ज होगी, रीजनरेट होगी, तो वो अपने आप चार्ज होगी, रीजनरेट होगी और आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। जब आपको जरूरत होगी तो वो वहां से आपको पावर देगी, नहीं होगी तो वो गाड़ी इंजन पे चलती रहेगी। जैसे जैसे आप एक्सीलेटर से पैर हटाओगे वैसे वैसे वो चार्ज होती रहेगी अपने आप। और फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कंपनी ने इस बार ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी दिया है इसके अंदर, जो कि रेड लाइट पे या कहीं आप गाड़ी को रोकते हो तो वहां पे ये अपने आप स्टार्ट हो जाता है। ऑटो जो स्टार्ट है और स्टॉप है वो अपना काम शुरू कर देता है। जैसे आप रेड लाइट पे खड़े होगे, गाड़ी को न्यूट्रल करोगे, हैंड ब्रेक लगाओगे और क्लच को छोड़ोगे, वैसे ये इंजन अपने आप स्टॉप हो जाएगा। और जो गाड़ी है वो उस टाइम मोटर पे शिफ्ट हो जाती है और मोटर पे चलती है। अगर हम बात करें सेफ्टी की, तो सेफ्टी में आपको खुद पता है जो पुरानी ब्रेजा थी वो क्रैश टेस्ट रेटिंग में 4 स्टार लेके आई थी, वो भी नॉन स्पॉन्सर्ड। और अगर मैं बात करूं प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म में इस बार भी कोई चेंज नहीं किया गया है, ओनली जो बॉडी है उसमें भी कोई चेंज नहीं है। उसके लुक और डिजाइन में थोड़ा बहुत चेंज किया है, 19-20 किया है, वैसे वही प्लेटफॉर्म यूज किया है ब्रेजा में जो पहले था और वही बॉडी यूज की है जो पहले थी, थोड़ा बहुत डिजाइन में लुक में चेंज कर रखा है ओनली। ये ड्यूल वीवीटी और ड्यूल जेट के साथ आता है जिससे एवरेज आपकी बढ़ जाती है। और अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो अब की बार जो ब्रेजा ब्रेजा में आपको ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट,
ईल होल्डर असिस्ट से याद आया, ईल होल्डर असिस्ट की अगर आपको वीडियो देखनी है तो आई बटन पे शो हो रही होगी, आप यहाँ से ईल होल्डर असिस्ट की भी वीडियो देख सकते हो कि ईल होल्डर असिस्ट है वो कैसे काम करता है और कैसे नहीं करता। और ईएसपी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जो है ईएसपी, वो भी इसमें आपको स्टैंडर्ड मिल जाता है। साथ में आपको पीछे मिल जाते हैं चार चार पार्किंग सेंसर। इसके कंपटीशन में जो इसके कंपटीटर हैं उनमें आपको बहुत सारी गाड़ियां हैं जिनमें आपको ओनली दो पार्किंग सेंसर मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको मिल जाते हैं पीछे चार पार्किंग सेंसर, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। आपको गाड़ी बैक वगैरह करने में आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला, वो आपको एमआईडी में पता लग जाएगा कि कितनी दूरी पे काम कर रहे हैं, कौन सा आपका कौन सी साइड में ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर वो भी वीडियो आपको देखनी है कि पार्किंग सेंसर न्यू ब्रेजा में कैसे काम करते हैं, तो आई बटन में क्लिक करके वो भी आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो, वो भी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। और बात करूं कमांडिंग पोजिशन की, वो तो आपको मिलती है, आपको पूरा रोड पूरी विजिबिलिटी आपको मिलेगी, आपको बोनट पूरा दिखेगा, चारों तरफ का व्यू आपको अच्छा मिलेगा, पीछे जो आपका आईआरवीएम है वहां से जो पीछे आपका स्पेस है, पीछे जो आपको गिलास दिख रहा है वहां से आपको पूरा का पूरा पिछला रोड, पीछे वाला रोड आपको पूरा का पूरा दिखेगा। साइड की विजिबिलिटी वगैरह भी एक नंबर की है, ओआरवीएम की आईआरवीएम की वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी है। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं खरीदनी चाहिए या नहीं, तो वो हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन में। तो अगर मैं बात करूं तो जो ब्रेजा है वो शुरू हो जाती है 7.99 लाख से। वैसे तो उसमें जो वेरिएंट है वो एलएक्सआई आता है। एलएक्सआई वेरिएंट में आपको ना तो कोई भी म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, ना आपको स्टेयरिंग पे जो माउंटेन कंट्रोल्स हैं ये कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ना ये मिलेगा ना आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह मिलेगा, बिल्कुल नेक्ड गाड़ी मिलेगी, बिल्कुल मतलब बिना फीचर्स के। वैसे सेफ्टी फीचर उसमें सारे हैं पर म्यूजिक सिस्टम है या स्टेयरिंग कंट्रोल्स वगैरह हैं ये चीजें आपको उसमें नहीं मिलेंगी। आपका जो बजट है वो कम है और आप ईएमआई वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके लिए एलएक्सआई वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, अगर मेरी ओपिनियन मानो। और आपका बजट आप अलाउड करता है आपको आपका बजट ऊपर जाने के लिए कि भाई मैं एलएक्सआई ना लेके और कोई वेरिएंट लूं, तो मेरी नजर में सबसे वैल्यू फॉर मनी है वो वेरिएंट है VXI। क्यों है? क्योंकि आपको उसमें VXI में आपको सारे फीचर जो एक आदमी को, एक ड्राइवर को या फिर एक फैमिली को चाहिए, वो सारे फीचर आपको VXI में मिल जाते हैं, तो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो है VXI। अगर मैं बात करूं इसके जो कंपटीटर हैं उनकी बात करूं, तो जो सबसे ज्यादा कंपटीटर है आज के टाइम वो है टाटा नेक्सॉन। अगर टाटा नेक्सॉन की बात करूं उसकी कीमत भी बढ़ बढ़ के आज के टाइम 8 लाख से लेके, और जो उसका टॉप मॉडल है वो 12 लाख तक मिलता है। और अगर मैं बात करूं, अगर मैं कंपैरिजन करूं, देखो रेट तो मारुति सुजुकी जो ब्रेजा है उसका और टाटा नेक्सॉन है उसका, दोनों का रेट में कोई फर्क नहीं है, रेट आपको सेम मिलेंगे। अगर मैं बात करूं इंजन की, आपको टाटा नेक्सॉन में 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज मिलेगा वैसे उसमें, लेकिन वो लैग इतना करता है बहुत ज्यादा। दूसरा क्लच, क्लच आपको टाटा नेक्सॉन में मिलेगी आर्ड, मारुति सुजुकी में मिलेगी आपको ब्रेजा में बिल्कुल लाइट क्लच, सॉफ्ट क्लच। तीसरा गेयर बॉक्स, गेयर बॉक्स टाटा नेक्सॉन में मिलेगा आपको जर्की, वाइब्रेशन आपको ज्यादा मिलेंगी वहां पे। और जो ब्रेजा है उसमें आपको जो गेयर बॉक्स है वो बिल्कुल स्मूथ मिलेगा, लाइट मिलेगा, क्लच भी आपको लाइट मिलेगी। उसके बाद बात कर लेता हूँ सर्विस, जो सर्विस है टाटा की, आपको सर्विस का पता होगा, टाटा सर्विस अच्छी नहीं दे पाता, आफ्टर सेल्स जो सर्विस है वो नहीं दे पाता। अगर मारुति में जाओगे आपको सर्विस एक नंबर की मिलेगी, आपको सस्ती भी सर्विस मिलेगी, टाटा में आपको महंगी सर्विस मिलेगी। अगर ब्रेजा में मारुति सुजुकी की बात करो तो उसमें आपको सर्विस बिल्कुल सिंपल मिलेगी, सस्ती मिलेगी। बुढ़ापा, अगर गाड़ी को आपको एक लॉन्ग टाइम के लिए रखना है, लंबे समय के लिए रखना है, तो जो ब्रेजा है उसका बुढ़ापा बहुत अच्छा है, टाटा नेक्सॉन का बुढ़ापा बिल्कुल खराब है।
अगर आप सिटी की बात करो तो सिटी में आपको वेन्यू और सोनेट इसके कंपटीशन में मिल जाएंगे, लेकिन वो गाड़ियाँ का जो इंजन है वो 1 लीटर का है और इसमें आता है 1.5 लीटर। अगर हम बात करें उसका जो टर्बो इंजन आता है, टर्बो इंजन अगर टर्बो इंजन की बात करें तो वो वही है रेट, आपको जो मार्केट रेट है, जो गाड़ी का प्राइस है वो हाई मिलेगा अगर टर्बो इंजन में जाओगे तो। आप अगर मैं ऑलराउंडर, बिल्कुल ऑलराउंडर अगर मैं पैकेज की बात करूं कि भाई ऑलराउंडर पैकेज कौन सा है, तो आंख बंद करके ब्रेजा VXI उठा लीजिए, आज के टाइम वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो, और सबसे अच्छा वेरिएंट है सिटी और हाईवे के हिसाब से सबसे अच्छा वेरिएंट है। अगर मैनुअल और ऑटोमेटिक में अगर कंफ्यूजन है, तो अगर आपके सिटी के अंदर ज्यादा ट्रैफिक है और आपके पास बजट भी अच्छा है, आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो, कोई भी कितना भी बजट आप वो कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो EMI वगैरह भरने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मेरी सजेशन रहेगी आप ऑटोमेटिक लीजिए। अगर आपके सिटी में ज्यादा ज्यादा ट्रैफिक नहीं है और आपको सिटी में कम चलना है, हाईवे पे आपकी ज्यादा रनिंग है, तो आप मैनुअल भेज जगह मैनुअल ले सकते हैं VXI वेरिएंट। और अगर मैं बात करूं आपसे कि आपको वीडियो कैसी लगी, तो उसका कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप भेज जगह अपने कमेंट्स लिखिए और मेरे को बताइए अपनी राय कि आपको कैसी वीडियो लगी है। और अगर आप मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत भी पसंद करते हो तो उसको लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आई आपको ये वीडियो तो डिसलाइक करने में बिल्कुल भी शर्माए ना। दूसरी बात, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन आपको दिख रही होगी उसको भी ऑन कर लीजिए नोटिफिकेशन, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल।